ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाते हैं, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, कोई आयुर्वेदिक पौधा तो नहीं है जिसको आप जानते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, पर दोस्तों एक प्रकार की है साग है जो कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी होती है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बतलाएंगे कि आखिर हमको इसकी सब्जी खानी चाहिए तो क्यों खानी चाहिए। दोस्तों शिमला मिर्च का नाम तो आपने सुना ही होगा। शिमला मिर्च पौष्टिक सब्जियों में से एक है, यह खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, इसलिए इसका प्रयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। इसे सलाद, सब्जी, चाइनीज फूड आदि आहारों में उपयोग किया जाता है। यह तीन रंगों में हमें देखने को मिल जाती है, जैसे लाल, पीली और हरी। हरी, लाल, पीली तीनों शिमला मिर्च ही सेहत के लिहाज से बहुत ही लाभकारी होती है। तीनों में ही विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इस सब्जी में बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती, इसलिए वजन घटाने की चाहत रखने वालों के लिए यह सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं शिमला मिर्च में ऐसे कौन कौन से आयुर्वेदिक घटक पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। शिमला मिर्च कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए आज से शिमला मिर्च अपने आहार में शामिल कर लीजिए। आइए हम आपको बताते हैं कि शिमला मिर्च हमारे शरीर के ऐसे कौन कौन से रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। शिमला मिर्च के फायदे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर के अत्यधिक समस्या हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। यदि खाने का पाचन ठीक से नहीं होता तो दस्त, कमजोरी आदि परेशानी होने लग जाती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी होता है। शिमला मिर्च में पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के कई गुण पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लग जाती है, जिससे पेट में दर्द रहना, गैस, कब्ज आदि से निजात मिल जाती है। इसके अतिरिक्त इसको खाने से पेट में होने वाले छाले भी दूर हो जाते हैं। शिमला मिर्च खाने से कैंसर का भी खतरा दूर हो जाता है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है। शरीर में किसी भी तरह का साधारण गांठ से भी कैंसर होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कि शिमला मिर्च कैंसर से बचाव करने के गुण होते हैं। इसका सेवन हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को विकसित नहीं होने देती, इसलिए हर रोज किसी न किसी रूप में आप शिमला मिर्च का सेवन कर सकते हैं। शिमला मिर्च के गुण वजन को कम भी करने में काफी लाभदायक माने जाते हैं। यदि कोई अपने बढ़ते वजन से परेशान है तो बिना कुछ सोचे शिमला मिर्च को अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। इसमें कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए इसे खाने से वजन कम होता है, साथ ही इसमें मेटाबॉलिज्म भी सुधरता है। शिमला मिर्च का सेवन करने से पाचन तंत्र तंदुरुस्त रहता है। यह हमारे शरीर के सारे विषैली पदार्थ को बाहर निकालने में सक्षम होती है, जिसके कारण हमारे शरीर से चर्बी कम होने लग जाती है। शिमला मिर्च का फायदा मधुमेह के रोगियों के लिए भी काफी लाभदायक होता है। यह हमारे आसपास देखे गए कि हमें हर चौथा इंसान मधुमेह से ग्रस्त मिलता है। मधुमेह आज के समय में एक आम बीमारी बन गई है, पर शिमला मिर्च का रोजाना सेवन करने से मधुमेह से राहत मिलती है। शिमला मिर्च के सेवन करने से शरीर में शर्करा का स्तर सही बना रहता है, इसलिए आपको शिमला मिर्च का सेवन अवश्य करना चाहिए। शिमला मिर्च हृदय लाभ के लिए भी काफी लाभदायक होता है। शिमला मिर्च में हमारे दिल को सेहत रखने के लिए कई गुण पाए जाते हैं। शिमला मिर्च में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका सेवन हमारे शरीर के हमारे हृदय की धमनियों को कभी बंद नहीं होने देती और हमारा हृदय एकदम स्वस्थ रहता है। शिमला मिर्च के सेवन से आप त्वचा एकदम चमकदार त्वचा का भी प्राप्त कर सकते हैं। शिमला मिर्च में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसका सेवन हमारे त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। शिमला मिर्च के उपयोग से त्वचा में कसाव आता है। यदि हम लाल शिमला मिर्च की बात करें तो इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह शरीर में प्रवेश कर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जिससे झुर्रियों के विकास को रोकने और रंग को साफ करने में शिमला मिर्च बहुत ही लाभदायक होता है। बालों के लिए भी शिमला मिर्च बहुत ही लाभदायक होता है। शिमला मिर्च में विटामिन
मिर्ची एक अच्छा स्रोत होता है। लाल शिमला मिर्ची के सेवन से बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा मिलता है। यह हमारे बालों के रोम में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा पहुंचाता है, साथ ही बालों की जड़ में रक्त का संचार सुचारुता से चलाता है। इससे बालों का विकास होता है और बाल झड़ना पूरी तरीके से बंद होने लग जाते हैं और बालों का सफ़ेद होने को भी यह रोकने लग जाता है। अल्सर की शिकायत वाले मरीजों के लिए भी, जिनकी आंतों में अल्सर हो जाते हैं, उसके लिए भी शिमला मिर्च बहुत ही फायदेमंद होता है। लाल शिमला मिर्च आंतों में होने वाली सिकुड़न को कम करता है, इसलिए यह अल्सर के लिए इलाज के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही यह गैस की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। शिमला मिर्च में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि शिमला मिर्च से उपयोग से दिल से जुड़ी समस्या बीमारियां और मोतियाबिंद से भी यह बचाव करती है। एक अच्छे पेनकिलर का भी कार्य शिमला मिर्च करती है, यानी दर्द निवारक का कार्य। शिमला मिर्च में दर्द निवारक तत्व पाए जाते हैं। यह दर्द को त्वचा से मेरुदंड तक जाने से रोकता है, इसलिए नसों के दर्द में इसका इलाज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाठिया की समस्या से भी यह राहत दे देती है। जिनको गाठिया की शिकायत होती है, उन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार शिमला मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए। शिमला मिर्च के और भी ऐसे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। इससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। शिमला मिर्च का सेवन सांस से संबंधित समस्या जैसे कि फेफड़े का इन्फेक्शन और अस्थमा से बचाव का कार्य भी करता है। यह शरीर में समाय हाई बीपी के लेवल को कम करता है, इससे कैलोरी को खत्म करने में मदद मिलती। लाल शिमला मिर्च में कैप्साइसिन मौजूद होता है, यह रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपरटेंशन के मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। कमजोर आंखों वालों के लिए भी शिमला मिर्च बहुत ही लाभकारी होती है। इसमें विटामिन ए आंखों के लिए उपयोगी होता है, वहीं इसमें मौजूद अन्य यौगिक उम्र से संबंधित आंखों की समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से संक्रामक रोगों से भी आपको बचाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शिमला मिर्च का उपयोग नहीं करते हैं तो रोजाना यानी सप्ताह में 3 से 4 बार, महीने में भाई 5 से 2 बार तो आप खा ही सकते हैं शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से शिमला मिर्च के कुछ आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बताया और इससे होने वाले शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से भी यह आपको बचाव करने में सहायता दे सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के नीचे वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारे और भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक लीजिए, इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।